A very good morning to the students of class 2. Welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Student, yesterday we have started chapter number 10th in our EVS book, Useful Animal. And we have learned that how animals are useful to us. Animals are very useful to us in many ways. Like some animals give us milk. Some animals give us eggs. Some animals are useful for us because of their flesh. Some animals give us wool and some animal give us leather and silk. Students, we all know that we get leather from the skin of animals. But it is not right to kill the animals for leather. Ke leather ke liye animals ko marna sahi nahi hota hai. Students, we should use the skin of dead animals to get the leather. Ki agar hume leather banana hai, to hume mare huye janwaron ki skin ko use karna chahiye. We all have learned in this chapter. Today we will learn that how can we get the silk from the animals. Students, this is page number 36. You all know that we get silk from silk fiber. कि हम लोगों को जो silk मिलता है, हम लोग जो silk के cloths use करते हैं, वो हम किससे बनाते हैं? Silk fiber से बनाते हैं. और ये जो silk fiber है, वो हमें कहाँ से मिलता है? Silkworm से मिलता है. देखिए, silkworms give us silk fibers and silk fibers are used to make silk cloths. हम सभी को जो सिल्क फाइबर है, जो सिल्क का धागा है, सिल्क का जो थ्रेड है, वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क के कीड़े से, रेशम के कीड़े से मिलता है. ओके, और ये रेशम के कीड़े से हमें मिलता है सिल्क का धागा. और इस सिल्क थ्रेड को फिर जब निटिंग किया जाता है, उसको निट करके उसके सिल्क के रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, आप सभी ने रेशम की साड़ियाँ, रेशम के कपड़े देखे होंगे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हेयर इज अ सिल्क वॉर्म. इस सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क थ्रेड मिलता है. और इस सिल्क थ्रेड को आगे निट करके सिल्क के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स मेक आर वर्क इजी. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस एंड दे मेक आर वर्क इजी. हाउ कैन दे हेल्प अस? वी विल रीड इन दिस पोर्शन. सम एनिमल्स मेक आर वर्क इजी. एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस एंड डोंकीज कैरी लोड फॉर अस. के स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारा लोड, हमारा जो भी सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं. वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? लाइक एलिफेंट, डोंकी, कैमल्स, हॉर्सेस, ये सारे एनिमल्स जो हैं, ये हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसके अलावा, मतलब हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के अलावा, ये हमें भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, आज के टाइम में हम लोग बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेन, बसेस. बट बहुत पहले के टाइम में जब ट्रेन, बसेस नहीं चलती थी, तो इन एनिमल्स का यूज़ ही किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए. ठीक है, यहाँ देखिए, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, जैसे टोंगा एंड दिस इज कैमल. ऑल दिस सम एनिमल्स कैरी पीपल, कि ये जो एनिमल्स हैं, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी हमारी हेल्प करते हैं. नाउ ऑक्सन प्लफ आर फील्ड्स. और जो ऑक्सन होते हैं, जो बैल होते हैं, वो हमारे फील्ड को जोतने में, कल्टीवेट करने में हमारी हेल्प करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट अ फार्मर इज प्लफिंग हिज फील्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन. स्टूडेंट्स, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी. स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स, अदर यूजफुल एनिमल्स. कि कुछ और भी यूजफुल एनिमल्स होते हैं, वो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, देखिए. वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमें हनी मीन्स जो शहद होता है, जो हम शहद यूज़ करते हैं, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी. कि हमें जो शहद है, वो हनी बी से मिलता है. वी स्प्रेड हनी ऑन ब्रेड. हनी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड पर हम लोग शहद लगा के खाते हैं. हनी इज ऑल्सो यूज एज मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड. उसके अलावा शहद जो है, वो सर्दी और खांसी में एक दवाई के रूप में भी यूज़ किया जाता है. हनी का यूज़ सर्दी और खांसी होने पर एक मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है. और ये हनी हमें कहाँ से मिलता है? हनी बी से मिलता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन देखिए. द डंग ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउ, कैमल्स एंड गॉड्स इज यूज एज मेन्योर इन आर फील्ड. के स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, काउ, कैमल और गॉट, इनका जो गोबर होता है, उसका यूज़ किया जाता है हमारे खेतों को फर्टिलाइज करने के लिए, हमारे खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए उनका मेन्योर बनाया जाता है. उस गोबर का यूज़ किया जाता है. काउ डंग केक्स आर यूज एज अ फ्यूल इन विलेजेस. उसके अलावा गोबर, स्टूडेंट्स,
आज भी गांव के अंदर जो काऊ डंग है, मतलब जो गाय का सूखे हुए गोबर जो होते हैं, जिनके जो केक्स होते हैं, सूखे हुए गोबर का जो पोर्शन होता है, जिसे आज भी गांव में उसे फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब उसे जलाकर ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, उसे जलाया जाता है और हीट प्रोड्यूस की जाती है. ओके, वी कीप पैट्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स इन आर होम. इसके अलावा एनिमल्स हमारे लिए किस तरह यूज़फुल होते हैं, जो डॉग्स और जो कैट्स होते हैं वो हम लोग एज अ पैट के रूप में अपने घरों में रखते हैं. क्यों रखते हैं? बिकॉज डॉग गार्ड्स आर होम. जो डॉग है वो हमारे घरों को गार्ड करता है एंड कैट कीप्स द माइस अवे. और जो बिल्ली है वो हमारे घर को चूहों से बचाती है, हमारे घर में चूहों को आने से रोकती है. स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो एनिमल हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. एंड जिस तरह से एनिमल हमारे लिए यूज़फुल होते हैं तो हमें भी उनका प्रॉपर केयर करना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, कि हमें एनिमल्स की पूरी केयर करनी चाहिए. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, कि हमें एनिमल्स के साथ बहुत ही दयालु होना चाहिए, हमें उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए. दे आर ऑल्सो लिविंग बींग, वो भी हमारी तरह से एक जीवित प्राणी है, इसीलिए हमें उनके साथ बहुत ही काइंडफुल रहना चाहिए. वी शुड नॉट टीज दैम बट टेक केयर ऑफ दैम, कि हमें कभी भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए. वी शुड गिव दैम गुड फूड, क्लीन वाटर एंड शेल्टर, कि हमें उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, क्लीन वाटर देना चाहिए और रहने के लिए एक प्रॉपर प्लेस देना चाहिए. वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स. उसके अलावा अगर कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो हमें जानवरों को देखने वाले डॉक्टर के पास उन्हें ले जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स आर आर फ्रेंड्स, दे मेक आर वर्ल्ड वंडरफुल, कि एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे दोस्त हैं और वो हमारे इस संसार को बहुत ही वंडरफुल बनाते हैं, इसीलिए हमें एनिमल्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उनको कभी भी परेशान नहीं करने चाहिए. स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में आपने देखा कि एनिमल्स हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, वो हमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए हमें उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स. स्टूडेंट, इट वॉज द चैप्टर एनिमल, यूजफुल एनिमल. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली. वी विल कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन टुमारो. बाय, सी यू टुमारो.